बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ जवेरिया बतूल और टुडे आई एम टीचिंग चैप्टर नंबर 1 और इसमें टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स बाद में की गई, इसको मोर यूजफुल और एक्यूरेट, यानी यूजफुल मुफीद और एक्यूरेट यानी कि दुरुस्तगी पैदा करने के लिए इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गई। आप लोगों को पता है कि पहले जो है एटॉमिक मास डिस्कवर था, एटॉमिक नंबर का पता ही नहीं था मेंडलीव के दौर में। एटॉमिक मास तो डिस्कवर हो चुका था बट एटॉमिक नंबर जो है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। एटॉमिक नंबर जो है सबसे पहले 1911 में डिस्कवर किया था मोजले ने। जब मोजले ने इसको डिस्कवर किया और इट वॉज फाउंड कि अगर हम इसके एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर को के हिसाब से, उसकी तरतीब से, इस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम रखते हैं, तरतीब देते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की तरतीब से अगर हम उसको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की तरतीब से रखते हैं तो जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिकली, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट की पीरियोडिकली रिपीट होती हैं। पीरियोडिकली यानी यकसा वक्फों के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो बजाय इसके कि एटॉमिक मास की तरतीब से रखा जाए, एटॉमिक नंबर की तरतीब से रखा गया। ये पहली अटेम्प्ट थी इसमें इम्प्रूवमेंट, और ज़्यादा एक्यूरेसी पाई गई और इससे ज़्यादा जो है यूज़फुल हमें मिला, यूज़फुल बातें मिली। तो इसके बाद क्या है कि इन्होंने क्या किया, एक और इम्प्रूवमेंट ये की थी कि उस वक्त नोबल गैसेज जो थी वो डिस्कवर नहीं थी। नोबल गैसेज जब डिस्कवर हुई तो उनको एक अलग ग्रुप यानी कि 8A में उन्होंने प्लेस किया। ये 8A है, आपको नज़र आ रहा है, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारा 8A है और इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं और इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो इनको भी रखा गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ये भी एक इम्प्रूवमेंट हुई। एक और इम्प्रूवमेंट क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि अगर आप गौर से देखें, 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। 2A जो है इसके अंदर आपके पास क्या है, बेरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, बेरियम और रेडियम, जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी भी इसी ग्रुप में ही रखे गए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इसके नीचे ये रखे गए थे, लेकिन इसको 2A में कर दिया गया और इसको 2B में कर दिया गया। पीरियोडिक टेबल में देखें तो 2A ये है, ठीक है, इसको अलग कर दिया गया, जबकि 2B में आपको नजर आ रहा है जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट थी, इनको सिंगल ग्रुप में नहीं प्लेस किया गया, दो अलग अलग सब ग्रुप्स बना दिए गए ए और बी, और इसमें इनको अलग अलग कर दिया गया। तो ये थी इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।